गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। दिस इज मैथ्स क्लास सिक्स चैप्टर थ्री प्लेइंग विथ नंबर्स पार्ट इलेवन लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट LCM लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। इन लास्ट क्लास वी स्टडीड अबाउट HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सी व्हाट इज LCM। द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल और LCM of two or more numbers is the lowest or smallest of their common multiples. LCM क्या होता है? जितने भी common multiples होते हैं उनमें जो सबसे छोटा होता है lowest common multiple उसको LCM कहते हैं। For example, to find the LCM of 8 and 12 we write their common multiples 24, 48, 72, 96 ... क्योंकि मल्टीपल्स बहुत सारे होते हैं तो 8 और 12 का जो कॉमन मल्टीपल्स है वो 24 है, 48 है। 24 देखिए 8 का भी मल्टीपल है, 8 3 जा 24, और 12 का भी मल्टीपल है, 12 2 जा 24। इस ढंग से 48 भी 8 और 12 दोनों का मल्टीपल्स है, दोनों का टेबल में आता है। तो 24, 48, 72 ये सब क्या है? कॉमन मल्टीपल्स है स्टूडेंट्स। अब LCM क्या होता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो जितने भी मल्टीपल्स हैं सबसे छोटा वाला मल्टीपल, मतलब जो फर्स्ट में आता है, फर्स्ट मल्टीपल ही जो है LCM कहलाता है। द लोएस्ट ऑफ दीज कॉमन मल्टीपल्स इज 24, हेंस LCM ऑफ 8 एंड 12 इज 24। नाउ सी LCM बाई प्राइम फैक्टराइजेशन। ये जो हम LCM अभी फाइंड किए ये बाई लिस्टिंग मल्टीपल्स फाइंड किए, जैसे 8 का मल्टीपल्स लिस्ट कर दिए, फिर 12 का मल्टीपल्स लिस्ट कर दिए और उसमें जो कॉमन है उसको मार्क कर लिए, और उसके बाद स्मॉलेस्ट मल्टीपल जो हो गया लोएस्ट कॉमन मल्टीपल LCM हो गया। अब यहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू भी हम लोग LCM फाइंड कर सकते हैं। इसका स्टेप्स है, फर्स्ट स्टेप वन, फाइंड प्राइम फैक्टर्स ऑफ ईच ऑफ द गिवन नंबर्स। जितने भी नंबर्स का LCM फाइंड करना होता है हमें, उनका सबका सेपरेटली प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करते हैं। और स्टेप टू, आइडेंटिफाई द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स ईच प्राइम फैक्टर अपीयर्स, और उसमें फिर आइडेंटिफाई करते हैं कि हर प्राइम फैक्टर्स जो है मैक्सिमम कितना टाइम्स आ रहा है, और फिर प्रोडक्ट ऑफ दीज प्राइम फैक्टर्स विथ ग्रेटेस्ट पावर इज द LCM, और उन प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट मतलब ग्रेटेस्ट पावर का प्रोडक्ट जो होता है वो LCM होता है। इसको समझिए, फाइंड द LCM ऑफ 8 एंड 12। एग्जांपल से समझिए प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू कैसे LCM फाइंड करते हैं। 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करते हैं तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है? 2। 2 से डिविजिबल है 8, तो 2 4 जा 8, यहाँ पर 4 लिखेंगे। फिर 4 2 से डिविजिबल है तो 2 2 जा 4, अगेन 2 इज डिविजिबल बाय 2 तो 2 बन जा 2। अब 1 आ गया नीचे, इट मीन्स कि प्राइम फैक्टर्स ऑफ 8 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2। देखिए 3 टाइम्स 2 आया, मतलब 2 टू द पावर 3 भी बोल सकते हैं इसको, मतलब 3 2 यहाँ पर 3 टाइम्स आया, ठीक है, इसलिए 2 रेज टू द पावर 3 लिखे हैं यहाँ पर। अब देखिए 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करते हैं तो 12 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2, देयर फोर 2 6 जा 12, अगेन 6 इज डिविजिबल बाई 2, 2 3 जा 6, अगेन 3 इज डिविजिबल बाई 3, 3 बन जा 3। अब 1 आ गया तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया 12 का? 2 इंटू 2 इंटू 3, ये हो गया, मीन्स कि 2 2 टाइम्स आया और 3 1 टाइम्स आया, इसलिए इसको लिखें 2 टू द पावर 2 इंटू 3। ये पावर का मतलब होता है 2 2 टाइम्स आया है, ठीक है। पावर के फॉर्म में लिखने से ये फायदा होगा हम लोग को कि मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स कितना बार आया है कोई प्राइम फैक्टर ये पता चल जाएगा। जैसे यहाँ 2 3 टाइम्स आया, यहाँ 2 2 टाइम्स है, तो मैक्सिमम नंबर ये 3 टाइम्स हुआ है ना। देयरफॉर द LCM ऑफ 8 एंड 12 इक्वल टू, अब हर प्राइम फैक्टर्स का मैक्सिमम पावर लेना है तो 2 का मैक्सिमम पावर क्या है? 3 है, इसमें 3 टाइम्स आया, इसमें 2 टाइम्स आया, तो हम 3 टाइम्स लेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, और इंटू 3 का मैक्सिमम पावर क्या है? 1 है, 3 तो 1 ही टाइम्स आया है इसमें, और इसमें तो आया भी नहीं है, तो इंटू 3 की है इक्वल टू कितना हुआ? 24। तो 24 जो है ये LCM हो गया, ठीक है।
नाउ एलसीएम बाय डिवीजन मेथड, डिवीजन मेथड से भी एलसीएम फाइंड करते हैं। इसका स्टेप्स है, स्टेप वन, राइट द गिवन नंबर्स इन अ रो सेपरेटेड बाय कॉमाज इन एनी ऑर्डर। सबसे पहले जो नंबर दिया होता है उसको हम रोज में लिखते हैं इस तरीके से, जैसे कॉमा से सेपरेट करके, जैसे 15, 30 और 90 का एलसीएम फाइंड करना है तो 15, 30, 90 को कॉमा से सेपरेट करके लिख दिए। सेकंड स्टेप क्या है, फाइंड लिस्ट प्राइम नंबर्स विच डिवाइड्स एट लीस्ट टू ऑफ द गिवन नंबर्स। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, लिस्ट प्राइम नंबर फाइंड करते हैं जो कम से कम टू नंबर्स को डिवाइड करे। तो देखिए स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर तो टू है, तो टू किसको किसको डिवाइड कर रहा है, 15 को नहीं कर रहा है लेकिन 30 को और 90 को कर रहा है क्योंकि लास्ट डिजिट जीरो है, तो टू से डिवाइड करते हैं, ठीक है, और कोशियंट को उस नंबर के नीचे लिखते हैं। तो थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, राइट द कोशियंट जस्ट बिलो द नंबर एंड द नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय द लिस्ट प्राइम नंबर इज रिटेन एज इट इज बिलो द रेस्पेक्टिव नंबर। जैसे टू से देखिए 15 डिविजिबल नहीं है तो 15 को 15 ही लिख देंगे 15 के नीचे, और टू से 30 डिविजिबल है कितना आता है कोशियंट 15 तो यहाँ 15 लिखेंगे, और टू से 90 डिविजिबल है कोशियंट कितना आता है 45 तो यहाँ 45 लिख दिए। अब देखिए कि कौन प्राइम नंबर से कम दो नंबर डिविजिबल है, अब टू से तो कोई भी डिविजिबल नहीं है, देखिए सबका यूनिट डिजिट 5 है। तो फोर्थ स्टेप में क्या करते हैं, हम इसी को रिपीट करते रहते हैं, लिस्ट प्राइम नंबर जिससे कि कम से कम दो नंबर डिविजिबल हो उसका यूज करते रहते हैं, है ना। तो अब देखिए 3 से डिविजिबल है, 15 और 45 तीनों 3 से डिविजिबल, कम से कम दो नंबर डिविजिबल होना चाहिए, तो तीनों डिविजिबल है तब 3 से डिवाइड करते हैं, 3 5 जा 15 और 3 15 जा 45। अब देखिए फिर आ गया 5 5 15, अब ये 3 से केवल डिविजिबल है 15 तो एक ही नंबर है तो 3 से डिवाइड करने का फ़ायदा नहीं होगा, अब 5 से डिविजिबल है तीनों नंबर तो 5 यहाँ पर लिखेंगे, नेक्स्ट प्राइम नंबर जो है 5 है तो 5 1 जा 5 5 1 जा 5 5 3 जा 15, अब एक ही प्राइम नंबर बचा 3, बाकी तो 1 1 आ गया। तो अब क्या करेंगे, ये सब जो है ये सब का प्रोडक्ट निकाल देंगे यहाँ से यहाँ तक, लास्ट में टू गेट द एलसीएम फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द डिवाइजर्स एंड द रिमेनिंग कोशियंट। सो डिवाइजर ये सब था और रिमेनिंग कोशियंट ये बच गया, तो एलसीएम इक्वल टू 2 × 3 × 5 × 3 2 × 3 × 5 × 3, ए 1 × 1 करने से तो कोई फ़ायदा होगा नहीं, तो एलसीएम आ गया 90। इस तरीके से स्टूडेंट्स हम लोग जो है एलसीएम फाइंड करते हैं। अब देख लेते हैं एक एक्सरसाइज का क्वेश्चंस आप लोग होमवर्क में करेंगे, एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 2, डिटरमिन द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। नंबर ए है 18 और 19, तो 18 और 19 का एलसीएम फाइंड करना है तो कम से कम दोनों नंबर में डिवाइड होना चाहिए कोई प्राइम नंबर से। अब देखिए 18 तो 2 से डिविजिबल है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से, लेकिन 19 क्या है 2 से डिविजिबल नहीं है, एक्चुअली में 19 क्या है प्राइम नंबर है तो ये किसी से डिविजिबल नहीं होगा, तब यहाँ 2 से लगाने से भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, है ना। तो सीधे एलसीएम इक्वल टू इसका क्या हो जाएगा, 18 × 19, दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि दो ही नंबर है उसमें एक प्राइम नंबर ही है, तो 18 × 19 इक्वल टू क्या हो जाएगा 342, ए एलसीएम हो गया, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 सारा कीजिएगा आप लोग होमवर्क में। क्वेश्चन नंबर एफ 121 143 एंड 220, इसका एलसीएम फाइंड करना है। अब देखिए यहाँ 121 ये 2 से डिविजिबल नहीं है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर तो 2 है, तो 2 से ये नहीं डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल नहीं है, ए केवल डिविजिबल है, एक ही नंबर डिविजिबल है तो 2 से नहीं डिवाइड करेंगे। अब 3 से देखते हैं कौन डिविजिबल है, 3 से रूल क्या है स्टूडेंट, डिविजिबिलिटी का पढ़ाए थे आप लोगों को, सम ऑफ डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 3, तो यहाँ देखिए 1 + 2 = 3 3 + 1 = 4, ये 3 से डिविजिबल नहीं है, अब 4 + 3 = 7 + 1 = 8 भी 3 से डिविजिबल नहीं है, और 2 + 2 = 4, ये भी 3 से डिविजिबल नहीं है, अब 3 से भी डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है 5 है, अब 5 से केवल एक ही नंबर डिविजिबल है, देखिए लास्ट में जीरो है इसका, और बाकी तो जीरो और फाइव नहीं है यूनिट डिजिट, इसलिए 5 से भी डिविजिबल नहीं होगा। अब 7 से भी ये डिविजिबल नहीं है
कोई भी नंबर, तो सेवन के बाद क्या होता है प्राइम नंबर, इलेवन होता है। तो इसलिए अब इलेवन से डिवाइड करेंगे, इलेवन से 121 डिवाइड होता है, इलेवन इलेवन जा 121 और इलेवन थर्टीन जा 143 और इलेवन ट्वेंटी जा 220, तो इलेवन से डिवाइड हो गया। अब देखिए इलेवन और थर्टीन दो तो प्राइम नंबर आ गया, एक ही नंबर है, ट्वेंटी बचा कंपोजिट, तो अब डिवाइड करने का ज़रूरत नहीं है। अब एलसीएम इक्वल टू क्या लिखेंगे, इलेवन इंटू इलेवन इंटू थर्टीन इंटू ट्वेंटी, इलेवन इंटू इलेवन इंटू थर्टीन इंटू ट्वेंटी इक्वल टू आ जाएगा 31460। ये आंसर हो गया एलसीएम। स्टूडेंट्स यहाँ वर्किंग भी कर सकते हैं, जैसे इलेवन इंटू इलेवन 121 आया, 121 इंटू ट्वेंटी कर लिए तो 2420 आया, और फिर 2420 इंटू 13 करके यहाँ देखे हैं तो 31460 आ गया। तो एक्सरसाइज 3.6 आप लोग होमवर्क में कीजिएगा आपका वीवा बुक का। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद।